भाई क्या स्कोर निकाला है तुमने? मतलब इतने बड़े बड़े नाम जो 100 मार के आते बंदे, उसे तुम ड्रॉप कर देते हो। सीरीज में बेस्ट फॉर्म में होते हो, उसे तुम ड्रॉप कर देते हो। मतलब परफॉर्मेंस देना क्या गुनाह हो गया क्या आज के टाइम पे? भाई अभिषेक शर्मा की माँ को जवाब दो, मेरे को ये एक मीटिंग चाहिए गौतम गंभीर की। बस वो इतना बता दे कि मैंने भाई इसीलिए एक अभिषेक को छक्के नहीं ने वर्ल्ड लिया। कप नहीं जिताया है, लेकिन भाई तू उस एक छक्के के पीछे, तू थाला का बंदा यार, थाला का चेला, इतना तगड़ा चेला है ऋतुराज गायकवाड़। उसने 7 रन के हमारे 77 भी मार दिए तो तूने उसे भारी कर दिया। 49 भी मार दिए, 77 जा 49, तो भी तूने उसे भार कर दिया यार। मतलब एक के बाद एक बड़ी पारी आई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 100 मार के आया 7 इनिंग में, 71 की भाई उसकी एवरेज चल रही है। उसके बावजूद भाई बंदा और क्या दे भाई टीम में आने के लिए। और ये तू जिसका पकड़ के चूस रहा है शुभमन गिल का, भाई हाँ वो तेरे को दे क्या रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मतलब कौन ठीक सी है, सर्विस दे रहा है कि वो तू उसको ले गया। वो इकलौता ऐसा बंदा था जिसके सिर्फ रन थे और उसका स्ट्राइक रेट 120 का था। जिम्बाब्वे में सबसे खराब वो खेला है और उसको मत तुमने वाइस कैप्टन वही बनाया है। सबसे मेन बात, तुमने टीम में तो रखा रखा, तुमने वाइस कैप्टनसी भी दे दी। भाई इतना कौन सा टॉप का प्लेयर हो गया ये कि तुम उसे वाइस कैप्टन भी दे रहे हो? ऋषभ पंत भी है ना शायद स्क्वाड में, तो ऋषभ पंत भी है भाई ठीक है। सूर्य कुमार यादव को तुमने कैप्टनसी दी, डिजर्व करता था बंदा, एज में भी अच्छा है उसका और एक्सपीरियंस भी है बंदे के पास, डोमेस्टिक भी इतना खेला है तो ठीक है, उसे तुमने कैप्टनसी दी, अच्छी बात है। और अभी वर्ल्ड कप भी जीत के आया तो अच्छी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद यार वाइस कैप्टन के लिए भी तुम्हारे पास बहुत सारे बंदे थे। शुभमन गिल के पीछे तुमने क्या हो गया भाई ऐसा, तुम कि शुभमन गिल से तुम्हें छोड़ा ही नहीं जा रहा, कौन सा प्यार आ गया? भाई तुम ये जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा, उसको बताना चाहिए कि मैंने इसलिए और नहीं अभी लिया। भाई पलाखे पे भी टट्टी तुमने जो है करके अभिषेक आएगा? शर्मा का मेंटली इस वक्त क्या हाल हाँ किया होगा तुम सोच भी नहीं सकते। भाई वो बंदा ईशान, जिम्बाब्वे में 100 मार के आया और 100 हाँ कहीं भी मार के आया हो, भाई 100 तरीका देखो कैसे खेला। भाई ईशान ऐसा ही किशन, तरीका तो तुम्हें चाहिए था ना। ईशान ईशान किशन की की तो माँ की चूत, हाँ, उसने तो अपना क्रिकेट खुद ही बर्बाद किया है। तो वही उसने चीज होगी भाई इसके साथ भी तो इसने अगर, यार कौन सा हाँ डिसिप्लिन नहीं दिखाया, वो तो डिसिप्लिन की वजह से बाहर गया था ना। वो हाँ बनता है भाई उसका, हाँ ऐसे बंदों को लगाना चाहिए, उनकी वाट लग रही, उसकी बढ़िया लग रही है। उसकी पर भाई बढ़िया लग रही इसकी है। तुम जवाब कैसे दोगे यार? वो बंदा कल को तुम्हें पागल खाने में मिल गया फिर। अरे यार उसने वो हर चीज करी जो वो चाहिए थी तुम्हें। तो मैं यही चीज तो कह रहा हूँ कि ईशान किशन के साथ भी तो यही हुआ। उसने भी भाई 200 मारी थी ओडीआई में, उसने भी अपने रन तो बना के यार वो बाप हो दिए जाएगा क्या इंडिया क्रिकेट का? रोहित शर्मा को कहता है भाई मुझे खिलाना नहीं है तो मेरे को घर जाने दो, तेरी ऐसी की तैसी। नहीं। तेरे वो साथ तो तो बहुत बढ़िया हुआ है यार, और वो जो तो तेरे एजेंट पे, तेरे एजेंडे पे निकालने के लिए बैठे हैं ना साले। अब वो ऐसा तो कर 1.5 साल रणजी में घिस। यार वो तो मैं कह रहा हूँ उसके साथ ठीक हुआ है जो भी हुआ है, लेकिन अगर तुम फिर से इसी के साथ वो सेम टीम सेम चीज दोहराओगे तो भाई ये बंदा भी तो प्रेशर में आ जाएगा कि 100 भी मार दी, अच्छे खासे रन मार के आया हूँ, ओपनर के तरीके से रन खेला भी है और रन मार के भी दिखाया, तुम उसे ऑप्शन नहीं दोगे आगे और बैटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा भाई। T20 है वर्ल्ड कप के लिए, तुम्हारे पास यही तो सीरीज रह गई। 20 T20 है, में से 5 तुम खेल चुके हो, 15 रह गए, तो ऐसे थोड़ी तुम स्कोर बना गली लोगे। का कोई बच्चा बता देगा भाई कि ये जायसवाल और अभिषेक ओपनर होने चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक तो हर हमेशा तोड़ेगा और वो हाँ ऐसा तोड़ेगा कि 20 में 50 ही मारेगा। तो तुम यार ऐसे घंटे के प्लेयर को कैसे खिला सकते हो जो जिसकी टांगों में ही दम नहीं है? वो 6 ओवरों में 50 से ऊपर अपन टीम के लिए बनने देगा भाई भाई? ये सिर्फ गुजरात में ही बैटिंग करता है और वहीं पे इसके 100 रन बनते दिखेंगे आपको। अभी पलाखे में मैच होएंगे, कोलम्बो में मैच होएंगे, स्लो पिच रहती है वहां पे, फिर बिखर जाएगा ये, फिर क्या करोगे तुम? बिखर जाएगा, छोड़ो यार इसके पास दिमाग ही कहाँ है? इसके पास दिमाग ही नहीं है कि भाई मैं यार ये अपने रन देखता है। ये पाकिस्तान का बाबर आजम है, ये बंदा धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। वनडे में मेरे को कोई डाउट नहीं है, ये अच्छा प्लेयर है और वो वहां पे तो तुम टाइम ले सकते हो ना भाई। यहाँ तो हाँ। तुम्हारे पास अगर बेटर ऑप्शन है तो तुमने बिठा कैसे दिया यार? तो वही चीज तो जस्टिफिकेशन चाहिए यार, भाई। 35 में 50 थोड़ी चाहिए ऐसा भी क्या हो हमें। गया कि 15 में भी अभिषेक शर्मा का नाम नहीं बना? मतलब हम सिर्फ डिस्कशन ही अभिषेक शर्मा का कर रहे हैं, वो तो अभी उस बात पे तो हम आए ही नहीं कि रियान पराग स्क्वाड में कैसे है। हाँ भाई इस ऋतुराज बंदे के स्क्वाड पास में नहीं हर है, किसी की MMS है क्या? मेरे को ये राजस्थान रॉयल्स से 6 साल खेल गया, 6 साल जो कि खेल इसके गया। 4 साल ऐसे थे कोई भी धक्का हाँ मार के बाहर कोई भी कर धक्का दे मार के इसे। बाहर कर सकता था, एक सीजन में इसके रन आ गए, इस साल तो आए हैं भाई इसका एटीट्यूड देखो कहाँ पे चला गया। मेरे को वो है ही नहीं भाई, कोई नहीं जिम्बाब्वे की रहा थर्ड है, क्लास बॉलिंग के खिलाफ करा गया इनने? रियान पराग ने करा क्या है ये कुछ तो भी बता नहीं दो। करा भाई। 3 मैच में ऑप्शन मिला है बंदे को, एक भी मैच में इसके रन नहीं आके दिए कि 100+ स्ट्राइक रेट से रन मार रहा हो ये। उसके बाद इसे कौन से कोटे पे तुम श्रीलंका के स्क्वाड में लिया इसकी है? सेटिंग है भाई, इसकी अच्छी सेटिंग है मेरे मेरे हिसाब से, वरना एज अ प्लेयर एबिलिटी तो कोई है ही नहीं। एबिलिटी अभिषेक है ही शर्मा नहीं भाई बॉलिंग भी यार करके देता, तुम्हें तुमने बाहर किया कैसे यार? यार मत वही तो चीज है ना, जो जो तुम्हें प्लेयर बनाना है ना,
उसको तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, उसको तुम खेलना नहीं सिखाओगे तो वो खेलेगा कैसे? गंभीर ने उन लोगों की मुंह पे मूता है जो ये सोच रहे थे कि अब तो सियासत खत्म हो जाएगी। हाँ। अब तो जो डिजर्विंग बंदे होंगे वही आगे आएंगे, वही और बड़े नाम घर में जाएंगे। हाँ। भाई या तो गंभीर कुछ नहीं कर पा रहा या तो फिर गंभीर ऐसा निकला। तुम्हारा सनराइजर से फाइनल था तो तुमने भैंचू अभिषेक शर्मा को ही बाहर कर दिया। नहीं ये तो वैसे कोई बात होगी नहीं क्योंकि ऐसा तो है नहीं, वो काव्या का कसाई था तो इसलिए बाहर कर दिया। पर हाँ मतलब रीजन ढूंढ पाना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। और दो बंदों के लिए रीजन ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, अभिषेक शर्मा और दूसरी साइड ऋतुराज गायकवाड़ भी। भाई या तो अब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बोलोगे अभिषेक शर्मा इंजर्ड है, वरना ना तो मुझे नींद आ रही ना तो उसके पड़ोसी ना तो उसको आने वाली। तो भाई बिल्कुल अच्छी कॉल नहीं थी यार ये तो बहुत ही घटिया कॉल है। मतलब बाकी प्लेयर देख लो यार, तुमने बैट्समैन शुभमन गिल ले लिया वो तो हम क्या ही बोले। हाँ। सूर्य कुमार यादव चलो अच्छी पिक है, वो तो कैप्टन भी है। और जयसवाल और रिंकू ऑब्वियस है। हाँ, ऋषभ की वापसी हो गई, वर्ल्ड कप का जश्न मना लिया। उसमें है ना विकेट कीपर में ऋषभ पंत है हमारे पास। हाँ। और संजू सैमसन चलो उसकी भी वापसी हो जाएगी। ऑलराउंडर में हमारे हार्दिक भैया ना तो कप्तान है ना वाइस कप्तान। हाँ। है एज अ प्लेयर खेलेंगे। हाँ हाँ। तो वो तो अलग ही चीज है, अभी फिलहाल वो डिफरेंट स्टेज से भी जा रहे हैं। हाँ। तो इसीलिए शायद वो कप्तानी शायद इसलिए वाइस कैप्टेंसी उनसे ले ली कि अभी तुम एज अ प्लेयर कोई नहीं। हाँ, वैसे खेलो। हाँ, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को तो मिली रहा रिवॉर्ड, मिली रहा है वो तो। वॉशिंगटन सुंदर को ये बनाना चाहते हैं प्लेयर। हाँ, क्योंकि ऑफ स्पिन कर रहा है आज के टाइम पे अश्विन। देखो जडेजा तो चला गया ना, तो अब तो वॉशिंगटन सुंदर अक्षर पटेल यही दो प्लेयर रह गए, तो इन्हीं को लेके सही है। सही है, तो सही है। और बॉलर आपके चैल को इन्होंने फिर थूक के फेंक दिया, मतलब फिर से निकाल दिया। और क्या बिजनोई है, बस कुलदीप भी नहीं है। कुलदीप नहीं है, वो रेस्ट कर रहा है। अच्छा चलो छोटी सीरीज है ना यार, ठीक है। लेकिन यार फिर वही कुलचा की सीरीज यार, चहल का मेरे को समझ ही नहीं आता। कुलचा पे तो आप कुल तो ठीक है, चहल को ही लात मारी है। चहल को ही लात मारी, कुलचा तो वर्ल्ड कप जिता के आया है। वर्ल्ड कप ठीक है, फाइनल मैच में नहीं आए थे कुछ विकेटे, लेकिन ठीक है भाई, वर्ल्ड कप तो जीत के आया ना अपना कुलचा। जिस मैच में आए थे उस मैच में अच्छी खासी फाड़ी भी है सबकी। लेकिन यार चहल को मतलब सारे आठ के आठ मैचेस में एक भी ऑप्शन नहीं मिला। और यहाँ पे भी यार तुम रवि बिश्नोई को ठीक है ऊपर कर रहे हो, लेकिन चहल को भी तो स्कोर में रख सकते थे। चहल यार अब ये कौन कह रहा है कि जो नई टांगे होंगी वही इस फॉर्मेट में कर सकती हैं। वही तो, एक्सपीरियंस से ऊपर कुछ नहीं होता। आपको फाइनल विराट कोहली वगैरह नई टांगे, भाई तुम बैट्समैन लेके आओ ना, बॉलर तो अपना कोर रखो, बॉलर अपना कोर रखो। और जो चहल की बात है, मैं ये कहूंगा भगवान ने बस उसको इतना मेहरबान हुआ कि तू चाहे वर्ल्ड कप का कोई मैच ना खेला हो, तेरे हाथ में ट्रॉफी थी भाई, तेरे हाथ तो है। तो मैं उसके लिए उतना खुश हूं। पर हाँ, अगर अब तुमने उसे बाहर फेंक ही दिया, इनका मतलब यही है ना यार, देखो लखनऊ से खेलता था, सीधी सी बात है। अब अगर सच सुनना है तो रवि बिश्नोई लखनऊ से खेलता था, वो वहां का उसका मेंटर था। और मैंने गंभीर के इंटरव्यू सुने हुए हैं कि मुझे लगता है रवि बिश्नोई में पोटेंशियल है प्लेयर बनने की, तो भाई वो बैक करते रहेंगे, वो बैक करते रहेंगे। सही बात है, आपको बिश्नोई दिखेगा। देखो यार इंडिया की टीम में ना पॉलिटिक्स आपको इतनी दिखती है, सबसे बड़ा पॉलिटिक्स को मेरे को रियान पर आ गई है सबसे बड़ा भाई, पूरा पॉलिटिक्स है इस पे। तो भाई पूरा जो राजस्थान में खेलता है वो भी कोटे पे खोलता है पॉलिटिक्स के, और यहाँ पे भी इसे जो जगह मिल रही है हकने के बाद भी। हाँ। वो भी पॉलिटिक्स पे मिल रही है। तो भाई जब तक पॉलिटिक्स रहेगा ना देश में, देश का नुकसान। अगर गलती से बेटे तेरे को मिल गई ना खेलने की अवसर, और अगर तूने नहीं कुछ करा भाई, अवसर मैं चाहता हूँ इसे पांच के पांच टी ट्वेंटी में अवसर मिले, मतलब तीन टी ट्वेंटी है उसमें अवसर मिले, और तीनों में इतना गंदा आ गया ना कि भाई पॉलिटिक्स को भी पता लग जाए भैंचो किस चूतड़ पे हम पैसा लगा रहे हैं। नहीं देखो या तो तू हमें हैरान कर दे भाई। हाँ। हम तेरा बुरा नहीं चाह रहे, ये तो भाई जज्बाती हो रहे थोड़े। मैं कह रहा हूँ तू 30 में 70 मार, ऋतु को नहीं लेके ऐड तुम तो जज्बाती नहीं होगा। मतलब 7 मैच में 71 की एवरेज के बाद भी बंदा क्या करे इससे ज्यादा। तो देखो यार अगर ऋतु को एक्सपोज करने की बात है तो उसने हमेशा छोटी और भी बड़ी छोटी टीमों के खिलाफ इसने कौन सी हिटिंग करके दे दी। तो भाई मैं तो कह ही रहा हूं 123 रन मार के आ रहा हूं आप, और अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी भाई दोनों, चलो दोनों सेम प्लेयर है ना, ऋतुराज ने 50 भी मारी 48 भी मारे, इसके 24 बॉल में 22 रन थे, जब क्यों नहीं मारा। तो मैं तो बोल रहा हूँ कौन बहन का पट्टा है जो जिसने ये मीटिंग की है और जिसने ये सोचा है कि शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया जाए, और अगर ऐसी लेगेसी चलती रही तो डाउनफॉल आ जाएगा इस टीम का। डाउनफॉल आएगा भाई, मेरे को लगा यार ये तो लात मार के निकालेंगे इसे कि बेटे हमें मिल गए दो टॉप के ओपनर नंबर 3 पे। यार मैं पर्सनली ऋतु को पसंद नहीं करता इतना, पर उसने मेरी राय बदल दी। मैंने देखा उसके पास है भाई शॉट, शॉट अगर मारने होंगे सबसे बढ़िया शॉट वो जो स्ट्रेट खेलता है ना, स्ट्रेट में सबसे ज्यादा रन बटोरता है वो, स्ट्रेट में सबसे ज्यादा बटोरता है। चेन्नई वाले फैन तो वो शॉट देखते ही पागल मुट्ठी मार के सो जाते हैं जैसे ये भाई है तो वो यार नहीं, जस्टिस दो बंदे जस्टिस तो यार पूरा नहीं हुआ। देखो भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी प्लेयर है, लेकिन आपके नाम के आगे ना रन है रन, और ऐसे बंदे जिनको स्कोर में लिया उनके नाम के आगे रन भी नहीं है।
तो तब लगता है जस्टिस चाहिए भाई इन बंदों के लिए। यार रन इकलौता क्राइटेरिया नहीं है ना, रन तो फिर शुभमन गिल बना के ही आया जिम्बाब्वे टूर पे, इंटेंट भी था ऋतुराज ने, मतलब वो इंटेंट भी दिखाया। वो ही चीज तो कह रहा हूँ ना, मतलब रन भी और इंटेंट भी सब चीज अच्छे से दिखे, स्ट्राइक रेट भी मेन T20 में काम आता है, तो ये चीजें दिखे तो उन बंदों को लो ना भाई। ठीक है शुभमन गिल को मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है एक दो मौके और दे के देखो, मेरे को पता है वो नहीं छोड़ने वाले, शुभमन गिल तो भाई वर्ल्ड कप भी खेलेगा यार। किसी ने ना वो कर रखी है कि ना ये हमारा आगे का प्लेयर है, हमारा तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, ये हमारा आगे किंग को रिप्लेस करेगा, किंग को रिप्लेस करेगा। किंग का जूता नहीं है ये, किंग जब इस उम्र में था ना प्राइम मलिंगा को अपने उस पे रखता था, वहीं पे रखता था जो समझ रहे हो। यहाँ भी पति राना ने क्योर कर मार दी ना बिखर जाएगा वहां भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब यही हाल है इनके। और बॉलिंग में अगर हम वो थे तो पेसर में हमारे अर्शदीप पाजी हैं, खलील को ये पता नहीं कौन सा बॉल जहीर खान बनाना चाह रहे हैं, और सिराज को इन्हें सिराज। यार मेरे को इस टाइम पे ना एक प्लेयर का नाम याद आता है, टी नटराजन भाई, उसकी क्या प्राइम थी, मतलब उसी उस वो तो उस बंदे ने खुद का ही बिगाड़ा है अपना, जो भी करा है यार, इंजरी हो गई ना उन्हें अपना क्या बिगाड़ा है, और छोटी टीम से खेलता है, पीआर है नहीं यार। तो यही बात है ना, अगर तुम मुंबई चेन्नई आरसीबी के प्लेयर नहीं हो, यहाँ तो चेन्नई का कप्तान हो के भी कुछ नहीं हो पाया धोनी भाई के जाने के बाद, चेन्नई को भी नहीं चूज कर रहे अब, राजस्थान ज्यादा आ रही तो धोनी अब कप्तान नहीं है ना, चेन्नई को भी कौन पूछेगा अब, ठीक है भाई। और ऊपर से गौतम गंभीर कोच है भाई, देखो पॉलिटिक्स मुझे दिखी, पॉलिटिक्स के भरोसे जाओगे ना तो देख लेना वर्ल्ड कप भी, फिर पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा ना तुम्हारा, जैसे उन्होंने अपना देश बेच खाया, वो दोनों भाई मिलके 100-100 रन तो बना लेते हैं, 50 तेरे 50 हमारा भी यही हाल, देश की बट्टी बिठा देते हैं वो, हमारा भी यही हाल होएगा फिर, और क्या, या तो पॉलिटिक्स खेल लो या क्रिकेट खेल लो। तो रेटिंग 2-10 में से कि स्क्वाड कैसा लगा भाई? 30 स्क्वाड लगा मेरे को, ठीक है 4-5 प्लेयर अच्छे थे तो मैं रेटिंग भी 4-5 ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं है कि रेटिंग। चलो भाई यही था, और भाई अभी तुम देख लेना सीरीज में भी नाम, मेरा नाम बदल देना अगर इनकी चू तोड़ो के बल्लों से रन निकले ना ये भाई, मैं सच्ची कह रहा हूँ मैं छोड़ दूंगा यहाँ से अगर रियान पर आपकी 50 आ गई ना 25-30 बोलो में किसी में भी, और ये शुभमन गिल भाई साहब, ये पति राना हसरंगा की बोलो पे ना बिखरा दिखा आपको, मेरा नाम बदल देना यार तुम। चलो अभी एंजिलो मैथ्यूज इसे फर्स्ट ओवर में ले जाएगा, उसकी स्लोवर सीधी बॉल पैड पे गायब, उसकी स्लोवर डिलीवरी पड़ेगी, ये बहन जो उठा देगा बॉल और क्या चाहो, बस पाला गले और कोलंबो में जो है ना सपाट पिच ना मिले, सपाट पिच मिली इससे बढ़िया इंटेंट तो भाई एंजिलो मैथ्यूज का, कितनी की उम्र होगी उसकी, 37 की उम्र हो गई, बंदा आके भाई रियान पराग से ज्यादा छक्के मार जाता है, वो मार देगा, वो अपने टाइम का शेर खिलाड़ी है, अपने टाइम का शेर खिलाड़ी, अभी जो उनकी पूरी स्कोर होगी ना उसमें सबसे ज्यादा शेयर खिलाड़ी वो है। चलो दो ओवर तो तुम्हें पावर प्ले में डाल के देता है वो, तो भाई इन दोनों ऑलराउंडर से बढ़िया तो मेरे को एंजिलो मैथ्यूज लग रहा है। तो यार अब मैं उसको अपने देश में थोड़ी लाऊंगा, अपने देश वो में तो नहीं लाएंगे, हो गया ना बात, ये ऑलराउंडर, ये दो कोड़ी का ऑलराउंडर से कंपेयर कर रहा हूँ बस। तो यही था भाई इस कोड में, तो बाकी मिलेंगे आपको ओडीआई की स्कोर में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।